तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और अब मैंने ये इंस्टाग्राम पे पोल डाला था, मैंने बोला था कि मेरा जो पहले मैं जहाँ पे रहता था विट्ठलवाड़ी में, वहाँ पे पानी भर चुका है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था, आप लोगों से पूछा था कि मैं वहाँ पे जाके व्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो आप लोगों ने बोला कि आप जाके वहाँ पे व्लॉग बनाओ, करीबन 90% लोगों ने बोला व्लॉग बनाओ। तो आप लोगों का प्यार मुझे वहाँ खींच लेके जा रहा है। मुझे, मैं सोच रहा था इतने बारिश में क्या जाऊँ, लेकिन फिर आप लोगों ने बोला कि भाई जाओ आप उधर का व्लॉग बनाओ। तो वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ का व्लॉग बनाता हूँ। रस्ते में जो भी पानी वानी, देखो मेरे को डर इस बात का भी लग रहा था क्योंकि जो नदी है ना, जो उल्लास नदी है, वो हम मतलब रस्ते में बीच में पड़ती है, तो ऐसा ना हो कि वो भरा हो। अगर वो भरा हो तो मेरे को वहां पे जाने बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी होता है, जैसा होता है, मैं आप लोगों को दिखाते चलता हूँ। वीडियो आप लोग एंड तक देखो, स्पेशली आप लोगों के लिए मैं जा रहा हूँ उतना दूर। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और बस लाइक करो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है? चलो, तो अभी आप लोग देख सकते हो कितनी बारिश है, मतलब बारिश एकदम चालू है। बल्कि मैं जहां से निकला था वहां पे बारिश नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत बारिश है। अब वहां पे जाके हम लोग को मालूम पड़ेगा कि वहां का कैसा सीन है। मुझे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरी गाड़ी में कहाँ लगाऊंगा, कहाँ खड़ी करूंगा, पर मैं जाऊंगा। मेरा एक्चुअल मेरे ना जो घर की चाबी है वो मैंने मेरे फ्रेंड को दी थी, तो वो भी वहां पे रहता है, तो उसके घर वाले भी बाहर गए, तो मैं अपना घर तो खोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे चाल के अंदर जाके आप लोगों को दिखा सकता हूं मैं कि कितना पानी भरा है कितना नहीं है। तो चलो, तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और अभी जैसे आप लोगों ने पहले देखा कि बहुत सारा पानी चला गया, ऑलमोस्ट पानी इतना इतना था, इतना था ना, इतना पानी था। वो धीरे धीरे उतर गया अभी, तो बहुत अच्छी बात है, पानी उतर रहा है। मेरे को भी थोड़ा डर था कि कहीं मेरे दूसरे घर पे ना चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पे जो घर थोड़े थोड़े नीचे थे उनके घर पे गया, लेकिन अभी भी वो धीरे धीरे निकल रहा है। बस यही है कि धीरे धीरे पानी सबका चला जाए। वहाँ पे जाम हो चुका है पूरा, और ये बारिश रुका है इस वजह से पानी जा भी रहा है। अगर बारिश होता रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे। बाकी आप लोग यहाँ से अगर देखोगे ना, तो पूरा भरा हुआ है। ये जो मुकीम है, इनके घर में तो बहुत पानी आया था, इसलिए ये कहीं पे शेड लेके बैठे हुए थे। यार ये देखो अपना भाई हमें, कैसा है हमें, कब से पानी आ रहा है? सुबह से पानी भरा था, अभी आधा जरा बारिश कम हो गई, थोड़ा नीचे हो गया, लेकिन सुबह बारिश बजे भरा था और शाम के 5 हो गए, लेकिन पानी पूरा घर पे गया था और फ्रिज मोटर सब खराब हो गए। सोचो अभी बाहर बैठे हम लोग, देखते आगे क्या होगा। अभी आगे आगे कुछ नहीं होगा, पानी ऐसे चला जाएगा। तो बस अभी मैं भी थोड़ी देर यहाँ पर रुकता हूँ और उसके बाद मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि इनका कॉन्टेक्ट नंबर सबका है, और अगर पानी अगर ज्यादा आता है तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन दिक्कत तो है, और इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे घर का सब घर का मीटर गायब हो गया है, तो उधर जाके मेरे को मीटर लगवाना पड़ेगा। और लाइट भी नहीं थी ना, नहीं कितने लाइट नहीं थी ना, लाइट चार पाँच घंटे से लाइट भी नहीं थी, क्योंकि इन लोग जानबूझ के लाइट काटते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा शॉर्ट सर्किट है, ये सब नहीं होता। तो अभी थोड़ी देर इधर रुकते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं और फिर आप। तो अभी ये मेरे एक फ्रेंड का घर है मोगली का, तो उसके घर में आप लोग देख सकते हो, ये देखो अभी भी देखो पूरा पानी है, ये पानी पूरा गया नहीं है, मतलब पूरा बाथरूम में अभी भी पानी है। और ये पानी देखो आप लोग, ये दीवार के अंदाजे से लगा सकते हो कितना पानी आया होगा, मतलब हाफ पूरा पानी है। ये देखो ये पूरा पानी है, दूर से दिखाओगे ना, ये देखो ये जो पूरा नीचे है ना, ये पूरी मट्टी है, मतलब जहां से हम लोग चल रहे हैं सिर्फ वही थोड़ा पानी का वो है, बाकी पूरा मट्टी आपको नजर आएगा। बाप रे बाप, बाहर निकलते ना तो गिरेगा तू भी। ये बंद कर दे लाइट ना, हाँ कर, बंद कर दे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं और आगे फिर आप लोग को दिखाते हैं। बाकी आप लोग समझ चुके रहोगे, और पानी बहुत कम हो गया है। पानी जब ज्यादा था तो देखो यहाँ तक पानी था पूरा ये घर में, तो जितना भी नीचे घर है उस सारे घर में पानी आ चुका है, सिर्फ जो थोड़ा बहुत ऊपर घर है वहां पर पानी नहीं आया था। तो अभी धीरे धीरे जा रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग चलते हैं, ये घर मैंने इसके लिए खुलवाया ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं। चलो अभी तो अभी सीन ऐसा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं और मेरे साथ हमें बैठे हैं, हमारा एक फ्रेंड है उसके इधर हम लोग जा रहे हैं, तो उससे भी मिलते हैं और हो सके तो आप लोग को दिखाते भी उससे। और पानी आप लोगों ने देख लिया होगा, और यहाँ पे भी एक नाला है, मतलब नाला मतलब वही पानी है जो उधर कनेक्ट होता है, वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कितना भरा है, तो आप लोग को चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी पूरी। और एक बहुत अच्छी बात है कि कम हो रहा है पानी, ये एक बहुत अच्छी बात है कि पानी कम हो रहा है, और पानी कम हो रहा है तो बहुत सारे दिलों में राहत महसूस हो रही है।
तो अभी मैं आया हूँ, मेरे फ्रेंड है यहाँ पे हितेश, हेलो। तो जो भी गणपति जी की स्थापना करता है तो यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी मूर्ति आप लोग को मिलेगी, तो आप लोग एक बार मूर्ति देख लीजिए। और एक और चीज मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अभी ये आप लोगों को ऐसा दिखता होगा, एक बार वो वाला लाइट चालू करके देखना ना। तो आप लोग मूर्ति देख लो, आपको कोई भी पसंद आएगी तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट करके इनसे मूर्ति ले सकते हो, ये आपको डिस्काउंट भी दे देंगे, चिंता मत करो। आप ये देख सकते हो, आगे आ जाओ भाई, बताओ ना कौन कौन सी मूर्ति है, कैसी है, ये देखो। ये बाल गणेश है, ये जो स्टार्टिंग में जो भी रखता है जिसके घर पे, हाँ हाँ, छोटे बच्चे लोग रहते हैं तो ये देखो, मतलब जिसके घर में छोटे बच्चे लोग रहते हैं जो इस तरीके की मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। जो भी मूर्ति स्थापन करता है तो वो पहले बाल गणेश से ही चालू है, तो ये बाल गणेश है। और ये पूरा आप लोग देख सकते हो रेडियम, और इसके ऊपर काफी अच्छा वर्क भी होगा जब आप लोग गणपति लेने आएंगे, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ये देखो। तो अभी मैं पूरा आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स, ये जैसे है ये भी इको फ्रेंडली गणपति है। अभी कोविड सिचुएशन में जैसे बहुत सारे जन अपने घर पे ही विसर्जन करते हैं, तो ज़्यादा करके इको फ्रेंडली उन लोग लेते हैं, जैसे साढ़ू माती बोलते हैं, ठीक है। तो ये इको फ्रेंडली मूर्ति है, ये अपने आराम से विसर्जन करते से ही आपके पानी में घुल जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं वृक्ष गणेशा, ये वृक्ष गणपति है। वृक्ष गणपति इसका मीन्स है कि आप जब भी इसको विसर्जन करोगे इसके ऊपर पानी डालने से, इसके बाद में जब ये मिट्टी पूरी नीचे बैठ जाएगी तभी उसमें से एक झाड़ आएगा। तो इको फ्रेंडली में भी हमारे पास दो तीन पैटर्न है, ठीक है। ये भी इको फ्रेंडली मूर्ति है, जो बड़े में थोड़ी साइज में बड़ी है ये, और ये नीचे वाली, ये रेड मिट्टी में मूर्ति है, रेड सॉइल बोलते हैं इसको, रेड सॉइल में ये मूर्ति है। ये भी आप आराम से अपने घर पे विसर्जन कर सकते हो, जैसे कोई कुंडी वगैरह में रख के, गमले में रख के आप उसको विसर्जन कर सकते हो। जब भी आप मूर्ति बुक करते हो तो एकदम सादे में आता है, जैसे मूर्ति, जैसे अपना, जैसे ये लालबाग का राजा है, ठीक है, इस तरह से ये मूर्ति आती है। मतलब जैसे ये गोल्डन कलर, जैसे मुकुट है, ठीक है, ये जैसे कड़े है इसके, ये बाजूबन, ये इस तरह से ये एकदम सादे में आता है, पर उसके बाद में हम लोग इस पर वर्क करते हैं, जैसे ये रोटी पिनाना, ये शॉल, ये जो पगड़ी, पेटा बोलते हैं इसको मराठी में, पेटा पिठाना, ये सब हम लोग करते हैं। और ये जो भी डायमंड वर्क है ये भी हम लोग सब करते हैं। तो आपको जो भी, मतलब आपको जैसे भी चाहिए, मतलब कुछ अलग तरीके से वर्क चाहिए, तो आपके क्लिक्स, गणपति के क्लिक्स साथ में लेके आ सकते हो, तो उस हिसाब से भी हम लोग वर्क करके दे सकते हैं। अगर आपको हमारे तरफ से जैसे हम करते हैं वैसे पसंद है तो वैसे भी करते हैं। तो अभी आप लोगों ने सारी मूर्तियां देख ली होगी, तो अगर किसी को भी ऑर्डर करना है तो नीचे मैं उनका नंबर दे दूंगा और इवन एड्रेस भी दे दूंगा। तो जो भी कल्याण, उल्लासनगर या विट्ठलवाड़ी से नज़दीक होगा तो वो यहाँ पे आके ऑर्डर कर सकता है। इवन कोई दूर का भी रहेगा, वो अगर ऑर्डर करना चाहता है तो एक बार उनसे कांटेक्ट कर लेना। बाकी जो भी रहेगा हम लोग आप लोगों को दिखाते रहेंगे, करके देंगे अगर दूर रहता है ना। हाँ, तो अभी जैसे भाई बता रहे हैं कि अगर दूर रहता रहेगा तो फिर वो पूरा पैकिंग वैकिंग करके प्रॉपर उनको भिजवा देंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर और ये सारी मिल जाएगी, तो जल्दी से बुक कर लो, काफी अच्छे अच्छे चीजें, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को।